हाय गाइस, सो बात करते हैं कि कल 10th of December को हमको बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करनी है। ये हमारा आज का ईओडी चार्ट हो गया क्लोजिंग के बाद। नाउ हमने कल मेंशन किया था अपनी वीडियो में, आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। ये जोन्स थे जहाँ पर हमको ट्रेड करना था, राइट। हमने कल बताया था कि एक ट्रेड यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और कहीं ट्रेड नहीं था, फेड द बाउंड्रीज का ट्रेड था। अब दिस वॉज वन ऑफ द ट्रेड्स दैट वी हैड टोल्ड यू येस्टरडे कि मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलती है बीच में तो हम कुछ नहीं करेंगे, या तो हम इसके नीचे अगर ट्रेड होता है तो हम शॉर्ट करेंगे, या फिर इधर एक अच्छी कैंडल बनती है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट, या फिर जब मार्केट इधर खुलेगी तब हम ट्रेड करेंगे। सिंपल, राइट। ये एक सिंपल ट्रेड था जो हमें प्ले करना था। अब आज क्या हुआ, आज मार्केट गैप अप हुई एंड फॉलो थ्रू आया अच्छा खासा मार्केट के अंदर, एंड मार्केट ने उसको प्ले किया। सिंपल गैप अप है, करेक्शन ज़्यादा था नहीं मार्केट के अंदर। एंड के जोन में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर अटकी। अब व्हाट इज़ द थिंग दैट यू कैन डू टुमारो, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है इसके ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो यू आर गोइंग टू बाय दिस स्टॉप लॉस हेयर। सिंपल, ये एक सिंपल ट्रेड होगा हमारा। एक तो ये हो गया। अब कल अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती है, ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होती है सो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, क्योंकि मार्केट ने बीच में कहीं हॉल्ट नहीं किया है। सो मार्केट विल गो बैक हेयर टू फाइंड पोटेंशियल बायर्स, ठीक है। मार्केट को नहीं मिलेंगे तो मार्केट और नीचे जाएगी। सो दिस इज़ अप ट्रेंडिंग मार्केट, तो यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है हम लोगों को। सो एक जोन यहाँ हो गया और एक जोन यहाँ हो गया। इसके अलावा हम कहीं और ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट है कहीं बीच में खुलती है तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम पैटर्न बनता है यहाँ पर कहीं तो एक शॉर्ट ट्रेड हमें मिल सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कहीं एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, या फिर कोई एक सेकेंड, या मार्केट ऐसे ऐसे चलती है, ऐसी कुछ फॉर्मेशन बनी तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है हमको, फ्लैग एंड पोल हो सकता है ये, राइट। एंड फ्लैग एंड पोल का एक और बन सकता है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। अगर कल मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहाँ खुल जाता है तो एक फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन होगी, हम आराम से 15 मिनट्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस नीचे, राइट। अब बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में, निफ्टी में हम ट्रेड कैसे करना चाहिए हमें। सो निफ्टी के अंदर कल जोन्स डिफाइंड थे, एम पैटर्न की फॉर्मेशन थी बट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके नीचे शॉर्ट था। अगर मार्केट ओपन होती शॉर्ट तो हम यहाँ पर शॉर्ट प्ले करते हैं। ये था कल के लिए जोन 1, एंड ये था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है ऐसी 15 मिनट के ऊपर हम बाय करेंगे। अब मार्केट काफ़ी ऊपर ओपन हुई सो इसके ऊपर हमें ट्रेड करना था, स्टॉप लॉस हम छोटा सा यहाँ पर प्ले करते एंड मार्केट को हम ट्रेड करते। सिंपल सी चीज़ ये थी। अब कल क्या करना है, सिंपल, इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है हम बाय करेंगे और हम वी वैप को फॉलो करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे इसमें, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो वी वैप, राइट। दैट इज़ अ सिंपल थिंग दैट वी गोइंग टू डू, इसको हम सिंपल फॉलो करेंगे। लेट मी शो यू वी वैप। आज मार्केट ने, ये एंकर वी वैप है, मार्केट ने आराम से इसको फॉलो किया है एंड मार्केट ऊपर गई है। सो जिसको भी फॉलो थ्रू एक्शंस प्ले करने आते हैं वो आराम से इन मार्केट्स में, दे कैन सिट एंड रिलैक्स एंड द मार्केट विल डू द रेस्ट फॉर देम, राइट। सो यही कल हमको वेट करना है कि मार्केट कल को हमको कोई इम्पैक्ट दे। अब नाउ व्हाट हैज हैपेंड हेयर इज, अगर निफ्टी के अंदर हम नोट करें, अब कोई भी अगर अच्छा एक्शन होगा मार्केट में इस जोन को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। अगर कल हमको
एक डायरेक्शन मूव चाहिए तो, ओके। एंड अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट हमारे लिए। सेकेंड टारगेट ये है सिंपल ट्रेडिंग, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ। हम प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम मार्केट्स को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर देते हैं, सिंपल सेटअप्स को नहीं देख पाते। इस सेटअप के अंदर ना ही मैंने कोई VWAP लगाया, ना ही कोई मूविंग एवरेज लगाई है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। अपनी डे ट्रेडिंग के अंदर आई सी देम बट आई डू नॉट रिलाई ऑन देम। मेरे को पता रहे मार्केट्स कहाँ पर है, इसलिए मैं मूविंग एवरेजेस या VWAP को लगाता हूँ, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो और जो मेरे ट्रेड्स हैं वो फिल्टर हो जाए, बस दैट्स इट। अब बात करते हैं हम स्टॉक्स के बारे में। सो गाइस, जो फर्स्ट स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है आपका बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अगर आप नोट करेंगे कि बजाज फाइनेंस ने आज एक इनसाइड बार कैंडल बनाई है, ओके। इतने दिन इन डिसीजन बना रहा था, देन एक रेड कैंडल बनाई, अब इसने एक इनसाइड बार कैंडल बनाई है, ओके। अब अगर हम इसके 1 आवर चार्ट पे जाएं, 1 आवर चार्ट पे ऐसा कुछ पैटर्न्स तो नहीं बन रहे हैं 1 आवर चार्ट पे इसके, ओके। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज़, हम एक सिंपल तरीके से इसको ट्रेड करेंगे। हम इसको क्यों ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज़ आज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, एक मूवमेंट आई है उसके अंदर अच्छी, तो एक्सपेक्टेड है कि कल ये भी फॉलो थ्रू देंगे, बिकॉज फाइनेंस, NSE फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल जो है उसमें बजाज फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो 15 मिनट्स पे अगर हम देखेंगे इसको, हमारा जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है इधर ये जोन पे आता है, राइट। और सपोर्ट हमारा इस जोन पे आता है, क्लियर सपोर्ट है, मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ पर, आज भी लिया है सपोर्ट, ओके। अब हम जो हम इस रेंज के अंदर हैं, सो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मार्केट इस जोन के ऊपर क्या करती है। अगर हम कल एक गैप अप खोलते हैं 15 मिनट्स पे, अगर हम 15 मिनट्स पे गैप अप खोलते हैं तो दिस इज़ वेयर वी गोइंग। और अगर हम इधर ही अंदर रहते हैं तो मैं इधर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इधर इंटरेस्टेड हूँ, बस दो जोन्स पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं और कहीं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये दो जोन्स हैं इसके अंदर प्ले करने के लिए, और कोई जोन्स नहीं है, ओके। एंड ये मार्क टारगेट्स हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकेंड टारगेट, ओके। अगर इधर हमें गैप डाउन मिल जाता बट वो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, या अगर मार्केट टूटती है और इधर सपोर्ट लेती है तो दैट इज़ अ गुड थिंग, मार्केट में करेक्शन आ जाएगा तो यहाँ से मूव बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तब आप पोजिशन भी खेल सकते हैं, ओके। सो गाइज, जो सेकेंड स्टॉक है वो है आपका ICICI बैंक। अगर आप ICICI बैंक के अंदर इसका चार्ट देखेंगे, तो एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ इस लेवल के ऊपर, अगर कल इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो काफ़ी अच्छी हाइज हमको मिल सकती हैं। जो लेवल्स हैं दैट आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम, सो आप इसको अपने चेकलिस्ट में रखिए। एंड अबव 515 दिस इज़ अ बाय, आज ये रेंज बाउंड रहा है, बट दिस इज़ अ स्टॉक दैट हैज़ अ पोटेंशियल कि अब जो मार्केट ऊपर जाएगी इन स्टॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। सो गाइस, जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ योर टाटा स्टील। टाटा स्टील में एक अच्छा खासा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है। अब इसके अंदर जहाँ एक अच्छी कैंडल बनती है 15 मिनट पे, आई एम इंटरेस्टेड, दिस इज़ 1 आवर चार्ट, बट 15 मिनट पे अगर कोई कैंडल बनती है जो इस लेवल को तोड़ती है, दिस इज़ योर बेसिकली 615। अगर 615 ब्रेक होता है तो आपको ऊपर के लेवल्स मिलेंगे, प्रॉबेबली 630 एंड 636, वो अनचार्टेड टेरिटरी हो गई आपकी। सो दोज आर द लेवल्स।
अगर आप इसको और ढंग से मार्क करना चाहो तो ये और नैरो एंगल्स बना रहा है, तो उसका मतलब एक जो ब्रेकआउट है वो इमिनेंट है इन स्टॉक्स के अंदर। ओके, सो कीप दिस स्टॉक इन माइंड। एंड ये तीन स्टॉक्स हो गए आज के लिए हमारे, एंड इन स्टॉक्स में हम ट्रेड करेंगे। वन स्टॉक जो आप पोजिशनल बेसिस पे देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज़ योर, कीप एन आई ऑन द स्टॉक। स्टॉक में कभी ब्रेकआउट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम स्टॉक को देखें, ये रेंज के अंदर है। हमेशा जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहें, रेंज वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखें, बिकॉज उनमें जब ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत ड्रास्टिक ब्रेकआउट्स होते हैं। एंड सपोर्ट ले रहा है इधर, सो कीप अ चेक ऑन दिस। अगर कल हमको फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ट्रेड ही खेलना है 757 के ऊपर, अ टारगेट ऑफ 763 इज देयर, बट ये 763 के ऊपर अगर एक गैप अप खुलता है या कुछ ऐसा होता है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। सो कीप अ चेक ऑन दिस स्टॉक। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन स्टॉक्स एंड इंडाइसेस। थैंक यू।